नमो अजंतानं नमो सत्रं नमो आर्यं नमो विभूतारं नमो सर्वभावान् मंगलं भगवान् भी मंगलं गौतमानं मंगलं कुंदकुंडाय जयं दर्पणस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल सर्व कल्याण कारकं दानं सर्व धर्मानं जयं देवतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त सब प्रकार की सुविधा वाले सुखी है। कौन सुखी है? जिनके पास अंश मात्र भी कोई चीज भरीग्रह नहीं है, वस्त्र का धागा भी नहीं है, रहने का मकान नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, दागिने नहीं है, कपड़े नहीं है, दवाइयां नहीं है, कुछ नहीं, शरीर को साफ करने के लिए साबुन पानी भी नहीं है जिसके पास, दांत घसने के लिए टूथपेस्ट और ब्रश भी नहीं है जिसके पास, ऐसे जो निर्ग्रंथ है, ऐसे जो मुनिराज है, चलते फिरते सिद्ध, और ऐसे जिनेन्द्र देव है, अर्यन परमात्मा, वो ध्यान करने योग्य है, वो पूज्य है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और हम अशांत हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, परम सुखी है। आश्चर्य की बात नहीं लगती है हमको तो, इसके बिना नहीं चले, उसके बिना नहीं चले, कितना लपरे हैं, और उनको कुछ जो नहीं है तो भी सुखी है, परम सुखी है। तो ये सुख आया कहां से? उसका रास्ता दिखाएगा कौन? ये सुख कहां मिलता है, वो कैसे प्राप्त करना, वो कौन बताएगा? ऐसे निग्रंथ जो है, मुनिराज हैं, वो हमको सुख का सच्चा रास्ता बताते हैं, उनके शरण में जाना है, वो हमारे ध्यान के विषय है, वो हमारे पूजा करने के योग्य है। कि आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप सुखी कैसे हो? आपको क्या मिल गया है, कैसे मिला है, बताइए, किसके आधार से मिला है? तो जब उनके पास जाओगे और उनकी बात सुनोगे तो तारीफ किसकी निकलेगी, उनके मुख से तारीफ किसकी निकलेगी? हाँ नहीं, आत्मा की तारीफ निकलेगी कि हम जो है बिना किसी आधार के रहते हैं, सुखी होते हैं। क्या आधार मिला है, किसका आधार लिया हुआ है? आत्मा का आधार लिया है। ये हमारा सिद्ध भगवान, हमारे आर्यन भगवान, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय, हमारे मुनि, ये सब कौन है? ये हमारा आत्मा है, हमने उनका आधार लिया है, तो हमको किसी की बाहर की आवश्यकता, गुलामी की कोई जरूरत नहीं है हमारे, हम परम सुखी है। हमारा सुख का सागर, सुख का दरिया, आनंद का दरिया, आनंद गुणों का स्वामी हमारे पास ही है, हमको बाहर से कुछ चाहिए नहीं। अब गुलामी क्या हो गया है? जिसके पास पूरी संपत्ति है उसको बोलो हमारे पास नौकरी पे आ जाओ तो क्या करेंगे? या नौकरी करेगा वो, चक्रवर्ती झाड़ू निकालेगा? ऐसे हम आनंद गुणों के स्वामी है, चैतन्य पिंड है, हमारे पास पूरी ताकत है, हम परिपूर्ण है, हम सिद्ध भगवान जैसे हैं, हमारी आत्मा में परम सुख है, हमको कहीं भी किसी चीज की कोई आवश्यकता बस, तो बाहर में उपयोग जावे ही कहां फिर? जो बाहर में कोई परिग्रह ही नहीं तो उपयोग कहां रहेंगे? फिर संभाल क्या है की खत्म, पूरा उपयोग हटा दिए वहां पर, पूरे अंदर में लगा देते हैं तो परम सुखी हो जाते हैं। तो ये जो निर्ग्रंथ बना है, जो वितराग का मार्ग है, उस पे चलने वाले जो लोग हैं, वो तीन लोक के सभी दुखी जीवों को ध्यान करने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है। ये निर्ग्रंथपना कहाँ से आया, किसके बल पे आया, बाहर में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि बिना किसी के सहारे आप रह सकते हो? इतनी आई कहाँ से ताकत और फिर भी सुखी हो? ये ताकत कहाँ से निकली है? ये अपने भगवान में से निकली है अंदर। इस भगवान की हमने आराधना की है, बाहर के कोई भगवान की आराधना नहीं की, इसलिए हमको थोड़ा भी रंच मात्र भी किसी की गुलामगिरी स्वीकार नहीं है। बहुत भटके, बहुत
अथड़े हैं, अदड़े हैं, अभी हमको नहीं भटकना है। इतना इतना प्रपंच किया है हमने अनंत काल में, फिर भी हमको शांति तो मिली नहीं है। अब हमको एक भी प्रपंच नहीं करना है, न किसी की गुलामगिरी चाहिए हमारे को, बिना किसी के रह लेंगे, कुछ दिन भूखे प्यासे बिता लेंगे, अकेले बिता लेंगे, लेकिन गुलामगिरी तो नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे गुलामगिरी? क्योंकि जहां सुख शांति है, जहां से सुख शांति है अनंत काल तक मिलती रहने वाली है, ऐसा जो अपना जो स्वरूप है उसको हमने देख लिया है, अभी हमारी कोई कमजोरी नहीं है। पूर्व कर्मों के उदय से अभी हमारी बाहर की हालत अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमको परमात्मा मिल गया है। क्या मिला है? अभी हम जल्दी से जल्दी सभी की गुलामगिरी छोड़ करके अपने अंदर में रहेंगे, परम शांत रह जाएंगे, वितराग मार्ग की आराधना करेंगे। अभी हमको झूठा राग द्वेष का मार्ग हमको नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया है। यह ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, बड़े बड़े इंद्र और अहम इंद्रियों का ऐश्वर्य भी पतन सहित है, टिकता नहीं है कुछ। 30 सागर तक 22 सागर तक आखिर में उसको एंड होता है, वो साधन संपत्ति का, वो ऐश्वर्य का, वो अधिकार का कभी ना कभी एंड है। बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो गया, तो फिर अन्य जीवों का तो कितना सा ऐश्वर्य है क्या कहें? क्या है इसमें अंदर? ये सारी दुनिया का जितना वैभव अभी दिखाई देता है ना, सारी दुनिया का समझो, कोई जीव हो गए उसको सारी दुनिया का मालिक बना दो, सब जगह से किराया आवे उसको, जापान में से, अमेरिका में से, तो सबका मालिक वो है, वो मनचाहे टैक्स लगाए हो सबको देना पड़े, नहीं दे उसको जेल में डाल देवे, मतलब सारी दुनिया का राजा समझ लो, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति स्वर्ग के जो नीची जाति के देव है ना, उसके जूते की मोजरी में एक रत्न है उसमें होती है। क्या क्या स्वर्ग में जो देव है उसकी जो जूती रहती है ना उसमें रत्न होते हैं, रत्नों की जूती होती है, रत्नों से बनी, उसमें से एक रत्न की कीमत भी नहीं है वो, तो क्या ऐश्वर्य की बात करोगे आप? ये कोई मतलब नहीं है कुछ बात का। ये अभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत प्यार भूखे प्यासे और खाना मिलता हो ना, एठा भी सूखा भी कैसा अच्छा लगता है, ऐसा है ये कोई संपत्ति है क्या? ये संपत्ति नहीं है वास्तव में, तो ये पुण्य ही नहीं है, मैं तो बोलता हूँ डुबाने वाले पुण्य है, क्योंकि इसमें मोह राग द्वेष करोगे और फिर डूबोगे। पुण्य तो वो जो हमको सुख का सच्चा रास्ता मिले, सदगुरु मिले, सत्संग मिले, हमारी आत्मा में ऊंचे 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 भाव आ गए, दुर्गुण का नाश हो गए, ऐसा साधनियों का संग मिले, गुरु का संग मिले, निरंतर मिलता रहे, वो हमारे पुण्य है। ये क्या पुण्य है? ये संपत्ति को क्या करने का है? इसकी बिल्कुल आदर सत्कार नहीं करना है जरा भी। तो बड़े बड़े इंद्र अहम इंद्रियों का ऐश्वर्य भी पतन हो जाता है, बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो गया है, अन्य जीवों का तो कितना सा ऐश्वर्य है, ऐसा जानकर यदि 2 दिन के लिए ऐश्वर्य पाया है, सिर्फ 2 दिन के लिए, स्वर्ग के बड़े बड़े आयुष्य के सामने ये अपना आयुष्य कितना है? 1 मिनट का भी नहीं है, या उनका जो आयुष्य है उनके सामने अपना तो 60-70 साल 100 साल का आयुष्य तो कोई गिनती में नहीं है। तो ये 2 दिन का जो ऐश्वर्य है क्या, ऐसा जानकर यदि 2 दिन के लिए ऐश्वर्य पाया है तो दुखी जीवों के उपकार में लगाओ, भोग विलास में मत लगाओ। अगर आपको धन दौलत ज्यादा मिली है तो क्या करना है, उपयोग कैसा करना, ऐसा करो फिर दुखी जीवों के उपकार में लगाओ, विनयवान होकर के दान दो। परमात्मा स्वरूप अपना ऐश्वर्य जानकर इस कर्मकृत ऐश्वर्य से विरक्त होना ही योग्य है, जितना मिले उतना दे दो, दान में दे दो, यात्रा कराओ, अध्याय शास्त्र छपाओ, दिन मंदिर बनाओ, धर्म के स्थान उत्पन्न करो, ताकि यह करके लोगों को आत्मा महान है वो तो मालूम पड़े, कम से कम जिन मंदिर में आकर के ये तो पता चले कि दुनिया में कोई शरण नहीं है एक मेरी आत्मा के सिवा, इतना तो जिनेंद्र देव बताएंगे, दुखी जीवों को एक सहारा हो जाएगा एक बहुत बड़ा। ये दान देने के बहुत से प्रकार है, इसमें जो ये ज्ञान दान,
जो औसत दान आदि जो होता है, अभय दान आदि, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो ये ज्ञान दान सबसे बड़ा है, क्योंकि जीव को समझ होगी तो सत्ता काम करेगा ना, सही काम करेगा ना। तो इसमें ज्ञान दान में स्वाध्याय यात्रा है, शास्त्र छपाना, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति की स्थापना करना, वितराग मार्ग का प्रचार प्रसार होना, ये ज्ञान दान में आता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है लोगों को कि सच्चा सुख का रास्ता क्या है। उसमें भी तो लिप्तता हो जाएगी। लिप्तता होगी, लेकिन रास्ता भी तो मिलेगा, रास्ता मिलता है ना, मिला तभी वो उस रास्ते जा रहा है, मार्ग मिला है उसको, तभी इस मार्ग से आया। मार्ग आने के बाद में भी नहीं, उसमें लिप्तता का नहीं, ये तो ये बात किसकी चल रही है, जिसके पास ऐश्वर्य है, मार्ग भी मिला है और ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य को अपने भोग विलास में लगाने के बदले ऐश्वर्य को कहाँ लगाना। मार्ग मिलने की जब संभावना हो गई तो फिर ऐश्वर्य का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। सवाल नहीं है ना, तो फिर पढ़ा तो है तो क्या करोगे। हाँ, तो भोग विलास में खर्च करोगे कि फिर वो कि अपने भोग विलास के लिए अगर यूज करता है वो संपत्ति आदि को, तो लिप्तता है, इसमें प्रेम है। लेकिन वो तो ऐसी जगह लगाता है, जैसा जिन मंदिर बनाया तो फिर अपना अधिकार नहीं रहता है, पैसा भले अपना लगा लेकिन हमारा अधिकार रहा तो लिप्तता कहाँ रही। लिप्तता मतलब प्रपंच, प्रपंच अगर ऐसा आभार हो गया तो समझा कि तुच्छ है, उसको उसी समय किसी सत्यों में कोई ट्रस्ट को भरा दिया, वही वही तो होता है, यही तो मान लिप्तता हटा देना आप, यही तो बात कर रही है, प्रेम लिप्ता रही है उसी में, कार्य में लगन रह गया तो गड़बड़ है। मैं जिन मंदिर बनाऊ लेकिन मेरे को महादृष्टि बनाओ, ट्रस्टियों का चेयरमैन बनाओ तो गया। उत्पन्न होने के पहले एकत्व बना, तो जिन मंदिर बनाने वाला, शास्त्र छपवाने वाला, वितराग मार्ग का प्रचार करने वाला, वो तो इसमें इतने गुण तो होते हैं, तो कहीं भी अपना अधिकार नहीं रखना है, और जबरदस्ती से वो ट्रस्टी बनता है, बाकी उसको ट्रस्टी बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो अपनी संपत्ति ज्यादा हो गई है तो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। जगह जब को दे दी जब की निधियां, क्या जगत की चीज है, यही पैसा अगर मेरे पास ज्यादा है तो क्या होगा, तो भोग विलास में खर्च होगा। इससे अच्छा है मेरे जीते जी यही पैसे का मैं ऐसा उपयोग करूं, जब को दे दूं, जब की निधियां, लेकिन ऐसे कर तरीके से काम में लाओ ताकि कई जीवों को वितराग मार्ग के प्रति श्रद्धा होने में निमित्त बने, तो सीधा ही बात है। युद्ध तो करना है, ये तो देना है, लेकिन देने के भी कई प्रकार है ना, तो कैसे देना है, ऐसे देना है ताकि जगत के जीवों को वितराग मार्ग क्या चीज है वो समझ में तो भी आवे, समझेगा तो इस मार्ग पे चलेगा, ऐसा कुछ बना है, इस प्रकार का कुछ करा है। तो यहाँ ये बात किया है कि परमात्मा स्वरूप अपना ऐश्वर्य जानकर, अपना ऐश्वर्य तो परमात्मा ही है, अपना स्वरूप ही है, ऐसा जानकर इस कर्मकृत ईश्वर्य को, पूर्व में पुण्य किया है, बहुत संपत्ति मिली है, तो इससे विरक्त होना ही योग्य है, ऐसा सम्यक दृष्टि को ऐसे इस प्रकार के भाव आते हैं। सम्यक दृष्टि जो है अपने ऐश्वर्य अगर मिल गया तो उसका इस प्रकार से खर्च करता है, और ये सब होने वाला है जब जब भी अभी अभी, क्योंकि समय दर्शन के बाद क्या होता है, पुण्य का प्रकार ज्यादा रहता है, पाप का तो बहुत अल्प रह जाता है भावों की दृष्टि से, तो पुण्य बहुत बढ़ते हैं, जहां भी जाएगा वहां संपत्ति बहुत मिलेगी, तो संपत्ति का उपयोग वो ऐसा ही करने वाला है, दिन मंदिर में उधर उधर ही खर्च करने वाला है, अन्य साधर्मियों को हेल्प करने वाला है बहुत ज्यादा। अगर मनुष्य भाव में भी आएगा तो राजा महाराजा के पास रहेगा, समझो बनेगा वो, तो उसकी जो संपत्ति होगी उसका खर्च वो इसी प्रकार से करने वाला है, क्योंकि भोग विलास में तो उसको आनंद आने वाला नहीं है, आत्मा के आनंद के सामने भोग विलास का आनंद तो उसको पता है कि कुछ दमी नहीं है। इसको दुनिया के अज्ञानी जीव उसको सुख मानते हैं, ज्ञानी जीव भोग विलास के आनंद को आनंद मानते ही नहीं है, उल्टा उससे तो दूर भागते हैं। तो संपत्ति मिली है तो क्या करोगे, पूर्व का पुण्य के कारण संपत्ति तो बहुत मिलने वाली है, तो क्या करोगे, क्या हो, राजा महाराजा के घर जाओगे तो क्या करोगे, तो ऐसा ही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, दिन मंदिर बनाएंगे, शास्त्र छपाएंगे, अपने निर्मल ज्ञान में जो जो महिमा करना है वितराग मार्ग के, वो ही करेंगे, उनका सारा दिन इसमें जाएगा, सत्संग में, शास्त्र लिखने में, शास्त्र छपवाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में, तत्वों का प्रचार करने में, दिन मंदिर बनाने में, ऐसा ही जाता है उसका दिन। सम्यक दृष्टियों का जीवन ऐसा ही होता है। तो ऐश्वर्य मत त्याग, ये तीन प्रकार के बताए, अभी चौथा रूप मत त्याग, रूप का मत न करो,
ये विनाशिक पुद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनाशिक है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। इस रूप को रोग, वियोग, दरिद्री, वृद्धावस्था, महाकुरूप कर देने वाली है। ये कोई शरीर का जो रूप है वो टिकने वाला नहीं है। अभी गरीबी आ जाए, खाने को नहीं मिले तो वापिस दुबला पतला हो जाएगा, वापिस सब सुंदरता चले जाएगी। रोग आके घेर लेगा तो भी गया, और वृद्धावस्था हो जाएगी तो भी उसका जो स्वरूप टिकने वाला नहीं है। ये 100 साल की जिंदगी में भी रूप कितना चेंज हो जाता है, बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, बाद में कैसे हैं, चल भी नहीं सकते बराबर, सीढ़ी भी नहीं चढ़ता, सीढ़ी चढ़ता ही आप जाते हैं, एकाएक का रूप है। तो ये माँ कुरूप कर देती है। ऐसे हार चाम के रूप में रागी होकर के मत करना बड़ा अनर्थ है। ये दूसरों से जड़ पदार्थों से अपनी बड़ाई करना है, जबकि चेतन को किसी बड़ाई करने के लिए किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा को, उसकी परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, उसके बड़प्पन को बढ़ाने के लिए जड़ पदार्थ का आधार लेना पड़ेगा। तो ये परमात्मा भी कैसा कैसा महिमावंत है, वो उसकी क्या महिमा है, उसकी कोई महिमा नहीं है फिर। तो इसलिए कहते हैं कि हार चाम के रूप में रागी होकर के मत करना बड़ा अनर्थ है। ये अपना स्वयं का अपमान है, ये आत्मा की विराधना है यहाँ पर। क्या हम इसलिए बड़े हैं क्योंकि हमारा रूप अच्छा है? नहीं, तुम अपने गुणों से बड़े हो, तुम्हारे अनंत गुण हैं, उसके कारण से तुम मान। बाहर के अच्छा शरीर मिले उसके कारण, ये तो खोखा है, पैकिंग है। पैकिंग की वैल्यू जगत में नहीं की जाती है। कोई भी अच्छी चीज दम से पैक करते हैं, वो खरीदते वक्त ही थोड़ा वो सेफ्टी रहती है, घर पे आने के बाद क्या करते हो, बढ़िया से बढ़िया पैकिंग का क्या हाल होता है, फेंक दो, थर्मोकोल में पैक करके लेके आते हैं वो, टेलीविजन या कुछ भी, पैकिंग भी मजबूत रहता है, लेकिन क्या करोगे, छोटा घर है तो क्या करोगे, टेलीविजन रखा हो पैकिंग को, घर में जगह नहीं है अपना, कैसे भी अच्छी पैकिंग हो, कलर मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग किया हो तो क्या फायदा है। तो ये पैकिंग है, ये आत्मा अंदर में है, वो भगवान है अंदर बैठा। बाहर का जो ये रूप है वो किसी का अच्छा हो किसी का ठीक नहीं हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाहर के पैकिंग से वस्तु की कीमत करना थके जाओगे। इतनी डुप्लीकेट चीजें होती है, उनकी पैकिंग अच्छी होती है, पैकिंग से अट्रैक्शन से वो जीव फंस जाता है, वो ले लेता है, लेकिन पैकिंग कितना दिन, उसकी क्या वैल्यू है। तो उससे अगर वैल्यू करते हो तो अपने आत्मा का अपमान हो रहा है। तुम बिना किसी के सहारे बिना किसी की महिमा किए भी तुम महिमावंत हो, लेकिन बाहर की पैकिंग से अगर तुम महिमा करते हो शरीर के रूप से, तो तेरे आत्मा का बहुत बड़ा अनादर हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, इसलिए वो अनर्थ है। हार चाम के रूप में रागी होकर के मत करना बड़ा अनर्थ है। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है, ये जो ज्ञान है वो आत्मा का रूप है। जानना 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 जो हो रहा है, ऐसा जो अंदर में गुण पड़ा है, वो आत्मा का स्वभाव माने रूप है, वो उसकी संपत्ति है, वो परमानेंट है उसका, वो चमत्कारिक चीज है। ज्ञान की चमत्कार की क्या बात करें, कि यहां बैठे बैठे लाखों मील दूर सूर्य को देख सकता है कि नहीं, लाखों मील दूर, ये क्या एक चमत्कार है। सूर्य को नहीं मालूम कि मैं सूर्य हूं, सूर्य को मालूम कि सूर्य ऐसा जानता कौन है, ज्ञान जानता है। उसके लिए सूर्य के पास जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे जानता है। देखो ये क्या, ये ज्ञान की महिमा है। 20 साल पहले 30 साल पहले जो घटना घटी थी उसकी याद आज भी कायम है, किसका चमत्कार है वो। तो महिमा करनी है तो उसकी करो ना। ये शरीर जो आज है वो पहले नहीं था ऐसा, लेकिन ज्ञान जो आज है वो पहले भी ऐसा था, वही चमत्कारिक है, वही अपना असली रूप है। उससे जैसा जादूगर कोई नहीं है ज्ञान के जैसा, उसमें जो करामत है जो सिद्धियां हैं किसी के पास नहीं है। तो अपना असली रूप तो क्या है, ये जो ज्ञान है वो अपना असली रूप है, जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। जब ज्ञान जब परिपूर्ण अवस्था में आएगा तो सारी दुनिया के सभी पदार्थ अपने आप झलक जाएंगे उसके ज्ञान में,
इसीलिए इस चमड़ी में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो, रूप का मत छोड़ो, सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव होता ही। अगर आदत वश रूप का अभिमान होता है तो धीरे धीरे छूट जाता है, जब छूट जाता है तब समय तो संशोध होता है। जब तक आचरण में ऐसा अभिमान रहता है, ऐसी बातें रहती है, तो उस टाइम में उतनी मलिनता उसको है। समय दर्शन होते ही अभिप्राय से तो निकल ही गया है, क्योंकि अभिप्राय में तो अपने को अपना का स्वरूप देख लिया है, तो इसके सामने किसी की वैल्यू नहीं। फिर भी आदत वश अगर अपना अभिमान रहता है या कुरूपता का दुख ऐसा भी रहता है तो वो भी निकल जाता है, कि बाहर का पैकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब आगे शास्त्र मत त्याग, जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत और रूप मत, ये चार हुआ। अभी शास्त्र का मत, शास्त्र ज्ञान श्रुत ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। और समय दृष्टि को ज्ञान ऐसा हो गया, ज्ञान की निर्मलता ज्यादा हो गया, शास्त्रों का नॉलेज ज्यादा हो गया, तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। तुमको तो आता नहीं, हमको तो इतना आता है, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान रहित का श्रुत ज्ञान निष्फल है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको शास्त्रों का ज्ञान है तो बेकार ही, उससे कोई भवसागर तीरना नहीं होता है। क्योंकि 11 अंक का ज्ञानदारी होकर के भी अभव्य संसार ही में परिभ्रमण करता है। ऐसे भी कई जीव अभव्य जीव है जिसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन उनको भी मनुष्य जन्म में आकर के 11 अंक तक का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है, वो संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना अनेक प्रकार के व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश आदि का पढ़ना, विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूपी अंधकूप में डूबने वाला ही जानना। आत्मा का ज्ञान नहीं है और बाहर का ज्ञान ज्यादा है तो क्या करेगा वो, व्याकरण, छंद, अलंकार, कविताएं ऐसे सब रचना करेगा, उसकी जगत में उसकी वाह वाह हो जाएगी, उसमें वो अभिमान करेगा और ज्यादा लोभ करके वो संसार में कुएं में, अंधे कुएं में डूब जाएगा। वो ज्ञान कोई तीरने में काम आने वाला नहीं। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना, ये ज्ञान इंद्रिय जनित है। संसार में जो बड़े बड़े वकील हो, डॉक्टर हो, ये जो बड़े बड़े जो ज्ञानी विद्वान है, कविता रचने वाले हैं, साहित्यकार है, पत्रकार है, ये सब ज्ञान किसके आधार पे है, इंद्रिय। इंद्रिय, आंख नहीं हो तो, कान नहीं हो तो बोलो तो क्या करोगे आप। तो ये जो ज्ञान है उनका आधार ये जड़ इंद्रिया है, जबकि सम्यक दर्शन हुआ वो कौन से ज्ञान का आधार है, अतींद्रिय ज्ञान है। उस आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है, और आत्मा सर्वगुण का भंडार उसको जान लेते हैं। तो चमत्कारी ज्ञान किसका है, इंद्रिय ज्ञान चमत्कारी के, अतींद्रिय ज्ञान चमत्कारी के। इंद्रिय ज्ञान से तो कभी आत्मा भी दिखने वाला नहीं, वो खुद को भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, कोई भी होंगे, उसको बोलो आत्मा क्या चीज है, शांति कैसे मिलती है, पता नहीं है हमारे, क्यों नहीं है पता। कि अतींद्रिय ज्ञान भी कोई चीज होती है, कि बिना इंद्रियों के सारे भी हम ज्ञान कर सकते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। वो क्रोधादि भावों को भी नहीं जानते हैं बराबर, कि कैसे दुखी होते हैं वो भी उनको पता नहीं है। सुखी कैसे होना वो तो पता नहीं है, वो तो मानने में आता है बात, कि चलो भाई उनको वितरा का धर्म नहीं मिला है, कोई ज्ञानी सदगुरु नहीं मिला है, तो उनको अतींद्रिय ज्ञान का पता नहीं। लेकिन जिस राग द्वेष क्रोधादि भावों में निरंतर रहते हैं, वो क्रोधादि भावों को भी नहीं जानते हैं, कि इससे इतना मेरा नुकसान हो रहा है, वो भी पता नहीं चलता है। सुखी कैसे होना वो तो पता नहीं है, लेकिन दुखी कैसे हो रहा हूं उसके मूल कारण भी पता नहीं है, कि मैं दुखी क्यों, वो गाली दिया इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा इसलिए दुखी है वो, कि क्रोध के कारण से दुखी है वो अपनी इच्छा के कारण से दुखी है, कि वो मुझे गाली नहीं देना चाहिए, ऐसी जो अपनी इच्छा है उसके कारण से दुखी है ना, उसको पता नहीं चलता है कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे को भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे भय क्यों लग रहा है, मुझे चिंताएं क्यों होती है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। और ज्ञान तो बहुत है इंद्रियों का, अपने अपने बिस्तर में मास्टर है, क्या लोगों की दर्दियों की लाइन लगती है,
क्लाइंटों की लाइन लगती है, इतने बड़े वकील है, इतने बड़े डॉक्टर है, दुनिया में नाम है, इज्जत है, पैसा है, कार है, सब कुछ है, लेकिन उनको वो मालूम नहीं है कि मैं दुखी क्यों हूँ। इतना ज्ञान उसके पास नहीं है, क्योंकि ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। उसके लिए आत्मा जागनी पड़ती है। आत्मा जब जागे अपना कल्याण करने के लिए, तब जाकर के वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बहिर्मुखता में नहीं है, बाहर नहीं है उसका विषय। अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय हमेशा अंदर में है। बाहर का सब कुछ मालूम है, लेकिन अंदर का कुछ मालूम, खुद कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, ये सब मैं एक्टिविटी करता हूँ उसका फल क्या आएगा, कुछ पता नहीं हूँ। ये मनुष्य भव को बर्बाद कर लेते हैं ऐसा ही, और फिर चले जाते हैं दुर्गति में। यहाँ बड़े डॉक्टर थे, राजा महाराजा थे, बड़े कवि थे, और फिर जाते कहाँ है? ये मनुष्य भव खत्म होते ही कहाँ जाएंगे? दुर्गति में ये हाल हो जाते हैं। तो ये बात कहते हैं इधर के शास्त्रों का जो मध है, जानकारी का, इंद्रिय ज्ञान का, वो कितना भी बढ़ जाएगा ना, सारी दुनिया को समझा दे भी, इतना ज्ञान भी अगर हो जाए ना, तो कभी भी उसका अभिमान नहीं करना। लोग तो तारीफ करेंगे, लेकिन अपने को उस तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। जब लोग तारीफ करेंगे आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, ऐसा है, लोगों को तारीफ करना दो, लेकिन अपने को कभी भी वो प्रशंसा दिल में अच्छी लगनी चाहिए नहीं। सावधान रहना है, ये तो वो इंद्रिय ज्ञान है। उसमें क्या है, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी भी हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी होते हैं, कोई 11 अंक के धारी भी होते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू जो है वो आत्मज्ञान का वैल्यू है, इंद्रिय ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना, एक क्षण में वात पित्त कफ आदि के घटने बढ़ने से वो चलायमान हो जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान की क्या वैल्यू है? क्या थोड़ा बुखार आएगा क्या, अभी आज मेरे को डॉक्टरी नहीं करनी है, आज तो बीमार है डॉक्टर साहब बैठो, थोड़ा सा कफ हो गया तो घबरा जाता है, इकाई का ज्ञान है ये। आत्मज्ञान की ताकत देखो, कि कुछ भी होगा ना तो ये घबराते नहीं है कि अरे मौत भी सामने आए तो घबराते नहीं, मेरा मौत थोड़ा होता है, ये आत्मज्ञान की ताकत है। और वो इंद्रिय ज्ञान की ताकत क्या है, डॉक्टर खुद घबरा जाता है कुछ हुआ हालत देखना उनकी। अभी डॉक्टर देखा है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको अटैक आया, उसको ही अटैक आया, जब से इतना घबरा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या रोज वॉकिंग करता है 2 घंटा टैंक बन के चक्कर लगा, डॉक्टर ये कांच के घड़े को कितना भी संभाल के रखो आखिर फूटने वाला ही है, ये क्या संभाल लेगा, वो संभालने की ताकत है उसकी क्या, इतना घबराता है पूछो नहीं। 7 किलोमीटर रोज 7 किलोमीटर चलना ही चाहिए कंपल्सरी, नहीं तो मौत आ जाएगी कहीं से भी। अब बेचारा इतना दुखी है, रोज 7 किलोमीटर चलता है डॉक्टर होने के बाद, पहचानता हूं मैं उसको अच्छी तरह, वो खुद हार्ट स्पेशलिस्ट है और उसको अटैक हुआ है, देखना कमाल की बात। खाने में ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, घी नहीं चलता, तेल नहीं चलता, सूखी रोटली, कितना टेंशन लगता होगा वो माइंड पे, ये कहीं जा नहीं सकता है अपना घर छोड़ करके बाहर, वो यात्रा कर सकता है और सवाल ही नहीं, यात्रा तो सवाल ही नहीं है करने का, वो तो मौत आ जाती है उसको। अभी ये कर सकते है क्या, ये क्या का ज्ञान है मैं समझ में नहीं आता है। तो यहाँ कहते हैं कि इस इंद्रिय ज्ञान की क्या वैल्यू है कि एक सेकंड में वात पित्त और कफ वो कम ज्यादा होते हैं तो घबरा जाता है, मेरा क्या होगा, चलायमान हो जाता है। कल इसका विस्तार करेंगे और आधा है थोड़ा। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण मुपद ते वर ते जयते, प्रण मुपद ते